नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है रक्षा और आप जुड़े हुए हैं फाइव कलर्स ऑफ ट्रैवल के साथ। आज के इस ब्लॉग में हम आ चुके हैं जयपुर के सबसे पुराने और सबसे सुंदर बाज़ारों को एक्सप्लोर करने। जी हाँ, इन बाज़ारों में शामिल है जयपुर का सबसे फेमस बापू बाज़ार, संजय बाज़ार और जौहरी बाज़ार। ये बाज़ार फेमस है यहाँ मिलने वाली फेमस और ट्रेडिशनल राजस्थानी आइटम्स के लिए। गुलाबी शहर जयपुर अपनी रॉयल लुक और अद्भुत महलों और स्मारकों के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ यहाँ मिलने वाले ट्रेडिशनल आइटम्स इसे एक बेहतरीन शॉपिंग डेस्टिनेशन भी बना देते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जयपुर में कई ऐसी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की चीज़ें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगी। जयपुर शहर के केंद्र में सांगानेर गेट और गुलाबी शहर के नए गेट के बीच बापू बाज़ार जूते से लेकर हथकरघा तक, कृत्रिम आभूषण से लेकर पीतल के काम और कीमती पत्थरों तक की खरीदी के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है, जहां आपको अपनी मनपसंद का हर एक सामान आसानी से मिल जाएगा। राजस्थान जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है वह है इसकी जीवंतता और भव्यता। बापू बाज़ार यहाँ मिलने वाली फेमस राजस्थानी आइटम्स जैसे कलाकृतियों, हैंडीक्राफ्ट, परंपरागत कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। बापू बाज़ार स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के बीच भी अपने अट्रैक्शन के लिए खासा प्रसिद्ध है, जो इसे पिंक सिटी के पसंदीदा मार्केट्स में से एक बना देता है। जयपुर बाज़ार शॉपिंग के मामले में एकदम फिट बैठता है। कहा जाता है कि अगर आपको अच्छी तरह से बार्गेनिंग करनी आती है तो आपको यहाँ हर एक चीज सही सही दामों पर उपलब्ध हो जाएगी। यह पूरा बाजार भरा पड़ा है यहाँ मिलने वाले राजस्थान के कल्चरल आइटम से, और यह उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो कि पारंपरिक चीजें पहनना और रखना पसंद करते हैं। पारंपरिक राजस्थानी फुटवेयर को मोजरी कहा जाता है। मोजरी ज्यादातर चमड़े से बने होते हैं। फुटवेयर को अलग अलग पैटर्न और जीवंत रंगों के साथ साथ खूबसूरती से डिजाइन और उन पर कढ़ाई की जाती है। बापू बाजार में मोजरी जूते प्रमाणिक होने के साथ साथ काफी सस्ते भी हैं। बापू बाजार में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जबरदस्त वैरायटी मिल जाएगी, जिसमें गले के हार, झुमके, पायल, लाख से बनी चूड़ियां और साथ ही रंगीन रेशम के धागों से बनी चूड़ियां भी शामिल है। अगर आपको राजस्थान में पारंपरिक बंदेज या टाई और डाई साड़ियां खरीदनी है तो आपको लहरिया, सांगनेरी प्रिंट से लेकर बाटिक प्रिंट तक बंदेज के पैटर्न और अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। यहाँ के दुपट्टों और साड़ियों पर जीवंत और जटिल कढ़ाई के अलावा उनके पास सुंदर दर्पण का काम और गोटा पट्टी का काम भी किया जाता है। एक विशेष प्रकार के महीन सूती कपड़े से बनी जयपुरी रजाई हल्की होने के साथ साथ गर्म और टिकाऊ भी होती है। रजाई को हाथ से बुनने के सदियों पुराने शिल्प के बाद रजाई के कवर पर डिजाइन ब्लॉक प्रिंट है। वे अपनी गर्मी के साथ साथ कपास की कोमलता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। जयपुर और वहाँ की मार्केट्स में ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ सजावट का सामान भी मिल जाता है। सड़क की दुकानें कलाकृतियों, पेन स्टैंड, की चेन, मिरर वर्क वाली एक्सेसरीज से भरी पड़ी हैं।
जयपुर के बापू बाजार के खाने के दृश्य काफी दिलचस्प हैं। यहाँ की गलियों से गुजरते समय दुकानों से आती हुई चाट की खुशबू से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। बापू बाजार सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 11 बजे से रात 10 बजे के बीच खुला रहता है। इसमें जाने के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं है। आप बापू बाजार में साल भर किसी भी महीने में जा सकते हैं। हालांकि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच होता है। आप दिन भर खिली खिली धूप में अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी महीने वास्तव में गर्म होते हैं और दिन में घूमना और खरीदी करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ सर्दियों में दिन में और गर्मियों के समय शाम को शॉपिंग कर सकते हैं। बापू बाजार जयपुर जंक्शन रेलवे से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कोई भी ऑटो रिक्शा किराए पर ले सकते हैं या फिर आप कैब बुक करके भी यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। बापू बाजार के अलावा भी ऐसे कई मार्केट्स हैं जहां आप जयपुर में शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि संजय मार्केट, चांदपोल मार्केट और जौहरी मार्केट। जयपुर की इस खूबसूरत शाम के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नई जगह के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।